स्टूडेंट से क्वेश्चन है कि सीता सेल्स अ डाइनिंग सेट टू नीता फॉर 6000 एंड गेन 20%। तो फॉर हाउ मच शुड शी सेल इट टू इंक्रीज हर प्रॉफिट अनदर 5%। तो पहले तो देखिए दो केसेस हैं कि उसने जो है वो 6000 का उसको बेचा और उसमें से गेन किया 20%। मीन्स SP ऑफ डाइनिंग सेट जो था वो था 6000 और उसके ऊपर उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 20% हुआ। तो उसने ख़रीदा कितने का, मीन्स हमें CP फाइंड करना है और CP का फॉर्मूला होता है SP ओवर 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये CP फाइंड करने का फॉर्मूला है। CP है 6000 इंटू 100 ओवर 100 प्लस 20, तो ये बन जाएगा 6000 इंटू 100 ओवर 120। तो हम ये काट देंगे इसको, ये 50 पे कट जाएगा क्योंकि 12 5 60 होते हैं, कट गया। तो इसका जो CP आ गया वो 5000 आ गया, मीन्स 5000 का इसने ख़रीदा था। अब उसने कहा है कि आगे उसको कितने का बेचना चाहिए कि उसको एक और 5% का एडिशनल प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो CP था उसने जो ख़रीदा था वो था 5000। अब उसको जो टोटल प्रॉफिट चाहिए, पहले 20 था और 5 और हो गया, मीन्स इसको टोटल जो प्रॉफिट चाहिए इस CP के ऊपर वो चाहिए 25%। तो हम SP निकाल लेते हैं कि इसको कितने का बेचना चाहिए। CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, ये फॉर्मूला है SP फाइंड करने का। CP है 5000 इंटू, अब ये देखिए 20 में सीधा करता हूँ, 100 में 25 ऐड हो गया, मींस 100 प्लस 25 जो मैं से लिख लेता हूँ ये ओवर 100, ये बन जाएगा, दो जीरोस कट गई इससे, तो ये हो गया 50 इंटू 125। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0 5 5 सा 25 5 2 10 2 12 6, तो 6250 का अगर ये बेचे तो इसको 25% जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। ये इसका आंसर है। थैंक यू।